A
पहले सेट सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, 2, 6, 9 एंड 11। सेट ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे 1, 7, 9 एंड 11। डिफरेंस में सेम है, एलिमेंट्स आपको काट देते हैं। तो स्टूडेंट देखें इसमें कौन कौन से एलिमेंट आपस में कटेंगे, 9 और 11 आपस में कट जाएंगे। पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, 2 और 6 रह जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई है। बाय इक्वेशन वन एंड टू, स्टूडेंट इक्वेशन वन का आंसर आपके पास 1 और 7 है, 2 का आंसर आपके पास 2 और 6 है। क्या दोनों आंसर आपके पास सेम है जा रहे हैं? नहीं, दोनों आंसर आपके पास सेम है नहीं आ रहे। हमने क्या प्रूव करना था, हमने प्रूव भी यही करना था कि a माइनस सी सी माइनस ए इक्वल नॉट। बाय इक्वेशन वन एंड टू a माइनस सी इज नॉट इक्वल टू सी माइनस ए, और आपने यही प्रूव भी करना था। ये प्रूव स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू इज इक्वल टू 0, 1, 2 up to 15। स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट आपके पास होल नंबर्स का सेट है 0 से 15 तक। दूसरा आपके पास सेट L है, सेट L के आपके पास एलिमेंट्स हैं 5, 7, 9 up to 15। 5, 7, 9 up to 15 तक। और जो लास्ट सेट है आपके पास वो आपके पास सेट M है, और सेट M की जो आपके पास वैल्यूज है वो है आपके पास 6, 8, 10, 12 और 14। तो स्टूडेंट ये वैल्यूज आपको दी गई है, हमने प्रूफ क्या करना है, वेरीफाई हमने क्या वेरीफाई करना है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या प्रूव करनी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है किसकी, यूनियन की और इंटरसेक्शन की। स्टूडेंट एक्सरसाइज से पहले जो आपको एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन का बताया गया है। यूनियन के लिहाज से आपके पास आइडेंटिटी कौन सी थी, यूनियन में आपके पास एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट था जैसे किसी भी सेट में अगर हम यूनियन करते हैं तो वही सेट आपके पास दोबारा आ जाता था, और इंटरसेक्शन में आपके पास आइडेंटिटी क्या थी। इंटरसेक्शन में आपके पास यूनिवर्सल सेट यू एज आइडेंटिटी एक्ट कर रहा था, क्योंकि अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें उसी सेट के एलिमेंट दोबारा मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है एल की और एम की। तो पहले मैं दोनों की यूनियन की प्रॉपर्टी सॉल्व कर लेता हूं, बाद में दोनों की इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी सॉल्व कर दूं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहले हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन फाइंड करते हैं। पहला आपके पास सेट क्या है, एल की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एल यूनियन एम टी किसकी इक्वल आना है, एल की इक्वल आना है। दूसरा सेट आपके पास क्या एम एन है, तो एम यूनियन एम टी ने किसकी इक्वल आना है, एम की इक्वल आना है। तो स्टूडेंट पहले वाले को सॉल्व करते हैं, एल यूनियन एम टी किसकी इक्वल आना चाहिए, एल के सेट एल के एलिमेंट्स लिखो,
एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 5, 7, 9 या आपके पास 15 तक है, यूनियन डेसिमल और साथ में एम्प्टी सेट है। मतलब देखिए स्टूडेंट, एम्प्टी सेट में आपके पास एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ ये जो सेट है आपके पास यूनियन में पहला सेट ही आपके पास दोबारा आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या आ गया, 5, 7, 9 up to 15, और ये आपके पास किसके इक्वल आ गए, ये आपके पास एल के इक्वल आ गए। अब वन के लास्ट से हमने प्रूव कर दिए, इसी को अब हम सेकंड के लास्ट से भी प्रूव करते हैं। सेकंड वन आपके पास क्या है, एम यूनियन एम टी आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए, एम के इक्वल होना चाहिए। सेकंड के एलिमेंट्स लिखे 6, 8, 10, 12 और 14 यूनियन का सिंबल और आगे एम्प्टी सेट। स्टूडेंट बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह एम्प्टी सेट जब इसके साथ यूनियन होगा तो यही सेट आपके पास दोबारा आ जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6, 8, 10, 12 और 14। और ये देखिए आपके पास ये तो वही एम सेट ही आ रहा है दोबारा, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो गए, एम के इक्वल हो गए। अब स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। स्टूडेंट इंटरसेक्शन में आपको बताया गया था कि यूनिवर्सल सेट आइडेंटिटी को परफेक्ट करता है, तो आपके पास ये कंडीशन क्या होगी, एल इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल आना चाहिए, एल के इक्वल आना चाहिए, और एम इंटरसेक्शन यू आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, एम के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, एल इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल हो, एल के इक्वल हो। सेकंड के एलिमेंट्स आपके एल के एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 5, 7, 9 up to 15 इंटरसेक्शन। यू के एलिमेंट्स क्या है, यू आपके पास यूनिवर्सल सेट है 0 से 15 तक, 0, 1, 2 up to 15। अब स्टूडेंट जरा देखिए, यहाँ आपके पास होल नंबर है 0 से 15 तक, यहाँ आपके पास ऑड नंबर है 5 से 15 तक। आप देखिए होल नंबर इवन और ऑड दोनों से मिलकर बन रहे होते हैं, तो ये जो सारे नंबर हैं 5, 7, 9 up to 15 ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। तो इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर्स कितने हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 5 कॉमन आएगा, 7, 9, 11, 13 और 15। तो स्टूडेंट आप जरा गौर करें, ये तो आपके पास सारा सेट एल ही वापस आ गया, बिल्कुल ये आपके पास है एल ही दोबारा आ रहा है। इसी तरह से अभी सेकंड वन को वेरीफाई करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास जो थी वो आपके पास क्या आ रही है कि एम इंटरसेक्शन यू किसकी इक्वल होना चाहिए, एम की इक्वल होना चाहिए। सेट एम के एलिमेंट्स लेकिन 6, 8, 10, 12 और 14 इंटरसेक्शन का सिंबल, और सेट यू के एलिमेंट्स आपके पास ऑलरेडी आपको पता है 0 से लेके 15 तक। अब स्टूडेंट्स ये 0 से लेके 15 तक काउंटिंग के नंबर है, यानी होल नंबर है, और ये आपके पास 6 से 14 तक इवन नंबर हैं। अब देखिए स्टूडेंट 6 से 14 सारे इसके अंदर आपके पास शामिल है, क्योंकि ये इवन और ऑड दोनों नंबर से मिलकर बन रहे हैं, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, 6 दोनों में कॉमन आ जाएगा, 8 10 12 और 14 दोनों में कॉमन आ गए। तो 6 8 10 12 और 14 आपके पास कॉमन आ जाएगा, और स्टूडेंट 6 8 10 12 ये तो आपके पास है एम की इक्वल है, और हमने यही प्रूव करना था। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज आपकी एंड हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज आप स्टार्ट करेंगे, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। बहुत शुक्रिया।